एक प्रॉपर्टी रिव्यू लेकर के आपके पेशे खिदमत हाजिर हूँ। ये प्रॉपर्टी बिकने के लिए नहीं है, ये कोई घर नहीं है, ये कोई फ्लैट नहीं है, ये कोई शॉप नहीं है। बेसिकली ये एक 400 से 600 साल पुराना कैसल है, 15वीं सदी का किला कह सकते हैं इसको। और इसकी कुछ हिस्ट्री है, इसकी स्कॉटिश हिस्ट्री है इसके बारे में। और इसकी जो ख़ास बात यह है कि ये इसकी जो थिकनेस है वॉल की वो 3.4 मीटर थी। और 80 एकड़ के ऊपर ये जो पार्क आपने शुरू में इंट्रोडक्शन भी देखा होगा, ये पूरी एक स्टेट हुआ करती थी किसी ज़माने में, क्योंकि सर जेम्स ने बनाई थी और फिर उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाई थी। आगे की हिस्ट्री में आपको आगे कैसल के अंदर चल के बताता हूँ। लेट्स गो। अंदर दाखिल होते साथ ही अब ये नहीं कंफर्म कि ये इसकी एंट्रेंस हुआ करती थी या एंट्रेंस किस तरफ से हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा होगा डिफरेंट साइडों पे छोटे छोटे निशाने, वॉच टावर कह लें या क्लॉक टावर, यहाँ से लोग यहाँ पर मॉनिटर किया करते थे, देखा करते थे। और ये अंदर के एंट्रेंस आए इसकी तरफ से।
कैसल के सामने ना एक इंट्रोडक्शन या आप कह लें कि ब्रीफ हिस्ट्री के उनकी लगी हुई है कैसल की, तो पुराने दौर में या असल जो कैसल दिखता था वो कैसे दिखता था, क्लोज आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है ना, जैसे ये इसका एक व्यू है कि कैसल किस तरह से दिखता था। अभी तो ये काफ़ी टूट फूट का शिकार है और उसको इतना कोई ख़ास उसकी टेक केयर नहीं की जा रही, बस जिस हालत में है उसी हालत में रखा हुआ गया। तो असल में इस कैसल की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो 1450 या 1440 में 15वीं सदी में सर जेम्स जो उस वक़्त के यहाँ के हुक्मरान थे, जो बादशाह था, उसने इस कैसल को अपनी वाइफ के लिए बनाया था, जिनका नाम था मैरी ऑफ गोल्डर्स। आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं मैरी उनका नाम था। इसकी हिस्ट्री में जब सर जेम्स ने जब इसको बनाना शुरू किया तो वो कोई कैनन बिल्ट अप करते हुए उनकी डेथ हो गई यहीं पे। तो उसको जो कंटिन्यू किया उनकी जो वाइफ थी मैरी, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और फिर वो अपनी वफात से 3 साल पहले तक यहाँ रहीं और उन्होंने अपने जाने के बाद अपने बेटे को हैंड ओवर किया और बेटे को हैंड ओवर करने के बाद बेटे ने कुछ अरसे यहाँ पर रखा। फिर उसने एक फैमिली है यहाँ की, नेक्स्ट रॉयल काइंड ऑफ फैमिली है सिंक्लेयर फैमिली, उनको ये कैसल किसी ट्रेड के ज़रिए, यानी उसने कहीं से उनसे ज़मीन ली और ये कैसल उनको दिया। और फिर उसके बाद सिंक्लेयर फैमिली ने काफ़ी अरसा इसको अपने पास रखा और एट द एंड ऑफ टाइम जो रिसेंटली फिर इसको सर माइकल नेरन थे, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने ख़रीदा इस कैसल को। और फिर माइकल नेरन ने आखिरी यानी 1950 के अंदर स्कॉटिश गवर्नमेंट को दे दिया, जो कि अब यहाँ की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट स्कॉटलैंड का जो एक डिपार्टमेंट है वो उसकी टेक केयर करता है और इसको मॉनिटर करता है और आजकल ये उनकी प्रॉपर्टी है। असल में इसको इसकी जो सबसे ख़ास बात थी, बेसिकली ये समंदर के सामने बिल्कुल ये कैसल बनाया गया था और लोग कहते हैं कि इसका असल पर्पज़ नहीं पता, लेकिन जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उससे लगता ये है कि इसके अंदर यानी ये डिफेंस टाइप ऑफ कैसल बनाया गया था, रहाइश के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। आपने आते हुए इंट्रोडक्शन में वीडियो देखी होगी जिसके अंदर पार्क नज़र आया था, वो सब इसका हिस्सा, और वो वहाँ तक जो आपको एक नज़र आ रहा है जूम करके, ये सब कैसल का हिस्सा था। 80 एकड़ के ऊपर ये फैला हुआ है, जंगल है, गार्डन है, पार्क है, अभी तो खैर इसको बच्चों का पार्क वगैरह बना दिया। और सामने बिल्कुल हार्बर है, डेजर्ट हार्बर की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उस तरफ, वो बिल्कुल उस तरफ थी। तो ये है बेसिकली इसका व्यू, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यू नज़र आएगा। अच्छा जी, ये था आज का एक कैसल का, किले का रिव्यू। अंदर से क्योंकि काफ़ी डोर्स वगैरह बंद है, अंदर से आपको दिखा नहीं सके, बाहर से और इसकी आउटस्कर्ट्स वगैरह आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई अगर आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वापसी पर जाते हुए आपको इसके जो पार्क हैं उसके व्यूज़ देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर।